और इसी कड़ी में आज मैं आपको फिर से बताऊंगा कमाल की मशीनों के बारे में, जिनको देखने के बाद आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर प्लीज उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, तो चलिए बताता हूँ। रोबोट दोस्तों, हमारी लाइफ में स्वच्छता बहुत मायने रखती है, सफाई होना बहुत जरूरी है। हमारी जो पब्लिक है उसको स्वच्छ भारत अभियान समझ में आए या ना आए, लेकिन कोरोना वायरस के चलते हर कोई सफाई का मतलब समझ चुका है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने टॉयलेट करने के बाद भी कई बार हाथ ही धोया होगा, लेकिन आज मल मल के रगड़ रगड़ के अच्छे से धो रहे हैं। वेल, आपने बहुत सारी मशीनें देखी होंगी जो रोड पर सफाई करती होंगी, लेकिन ये जो मशीन है ना, ये उन सभी मशीनों से यार बहुत अलग है। ये बहुत ही गजब की वैक्यूम क्लीनिंग मशीन है जो कि सड़क पर बिखरे हुए सूखे पत्तों को, पॉलिथिन्स को, प्लास्टिक बॉटल्स को, इन सब की सफाई करती है। इसको आप रोड पर काम करते हुए देखेंगे तो मजा आ जाएगा। नंबर 4, कॉट कैंग। देखिए दोस्तों, वैसे तो पेड़ों को काटना बहुत बुरी बात है, लेकिन कहते हैं ना, मजबूरी और लालच इंसान से सब कुछ करवा लेता है। अब देखिए इस पावरफुल मशीन को, ये मशीन बड़े से बड़े लट्ठों को अपनी दमदार और पावरफुल ब्लेड से एक साथ कई सारे बराबरी हिस्सों में पलक झपकते ही काट कर रख देती है। साथ ही इसके रोटेटिंग मैकेनिज्म की हेल्प से ये लकड़ी के लट्ठों की छालों को भी उन लट्ठों से अलग कर देती है ना कमाल। नंबर 3, रेंज सर्वेंट। भाई गोल्फ खेलना किसे पसंद नहीं होता है, लेकिन असली दिक्कत तो तब शुरू होती है जब उन बॉल्स को हमें ग्राउंड से उठाना होता है। और अगर खेलने वाले यार 50 और बॉल उठाने वाले सिर्फ 2 या 3 हो तो उनकी क्या हालत होती है भाई, ऊपर वाला अच्छे से जानता है, वाट लग जाती है सच में। लेकिन इस मशीन की हेल्प से उन सभी बॉल्स को बड़ी आसानी से उठाया जा सकता है, क्योंकि इस मशीन में लगी हुई ये रोलिंग ब्लेड बॉल्स को बिना नुकसान पहुंचाए अपने अंदर अटैच कर लेती है और मिक्स टेप में या एक कन्वेयर बेल्ट का काम करती है। तो ये जैसे जैसे रोटेटिंग व्हील रोटेट होते हैं ना, वैसी बॉल फंस कर कंटेनर में स्टोर हो जाती है और बड़े से बड़े गोल्फ राउंड की सारी बॉल्स कुछ ही टाइम में एक अकेला बंदा बिना किसी मुश्किल के उठा सकता है। नंबर 2, एंटोनोव 225। भैया बड़ा सा एरोप्लेन एक कार्गो विमान है जिसमें बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही जल्दी और आसानी से हवाई मार्ग से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये 250 टन तक का वेट उठाकर हवा में उड़ सकता है और भी बड़े बड़े कारनामे कर सकता है। इसमें 6 बड़े बड़े पावरफुल इंजन लगे होते हैं जिसकी वजह से ऐसा गजब का कारनामा करने में पूरी तरह से कैपेबल है। दोस्तों, दुनिया का अब तक का सबसे भारी एयरक्राफ्ट है। चलिए अब टाइम है आज की लास्ट मशीन को देखने का। नंबर 1, कैमरॉक TMW। दोस्तों, आप दी माउंटेन मैन दशरथ मांझी को तो जानते ही होंगे, उन पर पिक्चर भी बनी आपने देखी होगी जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे। ये वही है जिन्होंने बिहार में बड़े से पर्वत को सिर्फ 6 हथौड़े के दम पर तोड़ दिया और रास्ता बना दिया। ये काम उन्हें करने में बहुत लंबा टाइम लगा। इससे आप एक चीज सीख सकते हैं कि इंसान अगर अपनी जिद पे आ जाए बॉस, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। अब देखिए, अगर इस मशीन की बात करें तो ये मशीन बड़े से बड़े पहाड़ों को, चट्टानों को काट कर रास्ता बनाने के लिए यूज की जाती है। इसके सामने घूमती हुई गोल खतरनाक ब्लेड पहाड़ों में से चट्टानों को इतनी आसानी से काट देती है जैसे कोई शेर अपने किचन में सब्जियां काट रहा हो। तो ये मशीन चट्टानों को उतनी ही काटती है जितनी की आपको जरूरत होती है और ये कई महीनों के काम को कुछ ही दिन में खत्म कर देती है, क्योंकि इसकी स्पीड तो भैया वीडियो देखकर समझ ही रहे होंगे, कमाल की स्पीड है बॉस। अगर दशरथ मांझी के पास ये मशीन होती तो वो कितने खुश होते हैं। अच्छा, आपको लगता है उनको खुशी होती? मुझे कमेंट करके बताइए, संग में बताइए इतनी सारी मशीनों में से सबसे इंटरेस्टिंग मशीन आपको कौन सी लगी। ठीक है, संग में हमारी वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखनी है तो एक छोटा सा काम आपको करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, संग में बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि जो भी वीडियो हम बनाएंगे, नॉलेजेबल वीडियोस एंड अपलोड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपको आपके फोन पर मिल जाएगा। तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें और अपना बहुत ख्याल रखें। फिर मिलूंगा आपसे नई मशीनों के साथ अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।